और एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। और वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। 10-15 दिन से स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किससे ले लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं कर। हाँ बहुत किसी को यहाँ वहाँ घुमाता है सबके सामने। तो तुमको धमकी देता था कि अगर बात नहीं करेगी तो जान से मार देंगे? हाँ धमकी दिया था रात को पापा को। रात को हम अपना बताया पापा वाले, ठीक है सुबह देखते हैं। सुबह हुआ भी नहीं, 4 बजे सुबह ऐसे करके वो चले गया। खिड़की खोल के देखे तो देखे वो पेट्रोल हाथ में लिया होता एक डिब्बा, और माचिस लिया होता, भाग रहा था, ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था। और एक लड़का हमको फ़ोन करके धमकी दिया। उसके बाद फिर सोए हुए थे अपने रूम पे, बाहर से पेट्रोल डाल के और आग जला के और चले गया। वो लड़का कौन था तो फिर खिड़की खोल के देखे तो मोहल्ला का ही था, मुस्लिम था लड़का। और वो लड़का हमेशा नशा वशा करता है, सबके साथ यही करता है। क्या नाम है लड़के का? लड़का का नाम शाहरुख है। 10-15 दिन से स्कूल ट्यूशन जाते थे, आगे पीछे करता था। मैं नंबर किससे ले लिया, धमकी दे रहा था, बात नहीं कर। हाँ बहुत किसी को यहाँ वहाँ घुमाता है सबके सामने। तो तुमको धमकी देता था कि अगर बात नहीं करेगी तो जान से मार देंगे? हाँ धमकी दिया था रात को पापा को। रात को हम अपना बताया पापा वाले, ठीक है सुबह देखते हैं। सुबह हुआ भी नहीं, 4 बजे सुबह ऐसे करके वो चले गया। खिड़की खोल के देखे तो देखे वो पेट्रोल हाथ में लिया होता एक डिब्बा, और माचिस लिया होता, भाग रहा था, ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ था।